की नंदीगांव पुलिस व एसओजी टीम ने शराब तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। यह लोग मध्य प्रदेश से यूपी के जालौन में शराब तस्करी करते थे। पकड़ी गई शराब की कीमत तकरीबन 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस को काफी समय से शराब तस्करों की खबरें मिल रही थी, जिसके बाद एसओजी टीम व नदीगांव पुलिस ने मध्य प्रदेश से जालौन आ रही एक जीप में मध्य प्रदेश के 30 पेटी शराब बरामद कर ली। शराब की कीमत तकरीबन 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम व नदीगांव पुलिस ने खजूरी मोड़ की पुलिया के पास एक जीप में 3 युवकों को मध्य प्रदेश की शराब के साथ पकड़ा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। है कुछ शराब की पेटियां बरामद हुई हैं, क्या मामला है, कितनी पेटियां हैं जो बरामद हुई हैं और कैसे इनको गिरफ्तार किया गया? कुछ दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि नदीगांव की तरफ से मध्य प्रदेश की बनी हुई शराब कुछ लोग लेके आते हैं। इस पर अपने यहाँ की स्वाट टीम और नदीगांव की पुलिस को लगाया गया था और उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया और सफलता हासिल की। उनको 30 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसमें करीब 1500 क्वार्टर हैं। उसके साथ साथ उनकी एक जीप भी पकड़ी गई, 3 मोबाइल भी मिले हैं। 3 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं, सहदेव सिंह, राम मोहन शर्मा और प्रताप सिंह, तीनों भिंड के रहने वाले हैं। सर, कब से ही व्यापार कर रहे थे और ये इनके मतलब कहाँ से लाते थे ये लोग? नहीं, बहुत पहले से नहीं इनकी जानकारी है, ये था कि 10-15 दिन पहले से इन लोगों ने शुरू किया था ये काम और अभी ये पकड़ लिए गए हैं। कितनी अनुमानित कीमत होगी सर? 1,00,000 रुपये करीब कीमत है इसकी। सफलता कुछ हाथ लगी है, टीम को कुछ इनाम दिया गया? टीम को नगद इनाम दिया जाएगा। जालौन से दुर्गेश कुशवाहा की रिपोर्ट।